मैंने ये जो भी सारा चीज किया था ये घोनो इससे एसोसिएट होने के लिए किया था। तो इतना बोल दो कि भाई ऑलमोस्ट 37 से 40 मिनट्स के आसपास की बात हुई है स्क्रीनशॉट में। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग है उसके अंदर बताया था कि घोनो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया एंड वो जो सारी सिचुएशन थी जो घोनो इसके तरफ से चल रही थी उसके ऊपर एक एक पॉइंट पे बात की उन्होंने एंड जो कस्टमर सर्विस के जो हेड है उन्होंने मुझे कॉल किया था। सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट मुझे बताई, मैंने नोट डाउन करी है। ये वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम उनने मेरी वीडियो के अंदर से सुनी और कौन सी सॉल्व कर दी है। तो बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कि हम क्या करें हम क्या करें, ये एक डिटेल्ड वीडियो है कि अब उनका कस्टमर सर्विस कैसे अच्छा हो गया है एंड कैसे उन्होंने मुझे बताया। मैंने बहुत सारे उन्होंने क्लेम्स किए वो भी मैंने टेस्ट किए, लाइव टेस्टिंग आपके यहाँ पे भी करूँगा, उनके कॉल सेंटर में फ़ोन करूँगा। बाकी सारी चीज़ जो कुरियर वीरियर वाला है वो मैं नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट ईमेल का एंड कॉल का ये दोनों चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने उसके अंदर क्या रखा था। उनका जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि उनका जो कॉल सेंटर का नंबर है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, वो जो था कि मैंने उनको क्लेम किया था कि आधे आधे घंटे दो दो घंटे से लेके आसपास कस्टमर फ़ोन करता है एंड फ़ोन कोई उठाता नहीं है। उन्होंने ये क्लेम किया कि अब विद इन अ मिनट और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर उनका कॉल सेंटर का जो नंबर है वहाँ पे अगर आप कॉल करोगे तो उनकी कॉल उठा ली जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि उनका जो कॉल सेंटर का नंबर है ना उसके ऊपर फ़ोन करते हैं, देखते हैं कि कितने टाइम में वो लोग फ़ोन उठाते हैं। Hey, hi. Was just testing it, so I don't have any complaints on it. Would that be okay? Okay. Thank you so much. Yeah. So you picked up the call in 30 seconds. Thank you so much. Yeah. So आप लोगों ने देखा कि उन्होंने मुझे कहा था 1 मिनट के अंदर कॉल पिकअप हो जाएगी एंड 30 सेकेंड्स के अंदर ही कॉल पिकअप हो गई। तो ये जो क्लेम उन्होंने किया था ये एकदम सही क्लेम किया था कि हो जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि सिचुएशन है उसके वजह से, बट कॉल सेंटर वाले जो है वो डे इन डे आउट काम कर रहे हैं इसके लिए कि जो भी कस्टमर क्वेरीज आती हैं वो ट्रबल शूट करके सारी चीज़ें फॉलो करें। तो ये क्लेम्स मैंने की थी वो आगे भी बताऊंगा मैं। तो फर्स्ट क्लेम तो ये लोग की ये थी कि भाई अब 31 मिनट के अंदर ये फ़ोन उठा लेते हैं, तो 1 मिनट के अंदर तो ये भाई साहब ने मेरा फ़ोन उठा लिया। सेकेंड चीज़ थी कि जो कस्टमर सर्विस की टाइमिंग थी वो थी मंडे टू फ्राइडे की टाइमिंग थी, 9 to 6 थी एंड सैटरडे को वो सिर्फ बहुत कम काम करते थे। अब उन्होंने ये चीज़ इंक्रीज़ कर दी है, मंडे टू सैटरडे कर दिया है, सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपके जो कस्टमर सर्विस वाले हैं वो फ़ोन उठाएंगे एंड आपकी ईमेल की रिस्पॉन्स मिलते रहेगी। तो ये जो उनकी सेकेंड क्लेम थी ये वो उन्होंने क्लेम किया, तो उसकी टाइमिंग उन्होंने चेंज कर दी, ये उन्होंने कन्फर्म किया था। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो उनका कस्टमर सर्विस वाला जो कस्टमर केयर का पोर्टल है वो जो पोर्टल है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था वो एकदम जनरल था, तो उन्होंने अब थोड़ा एडवांस कर दिया जहाँ पे वो आप कस्टमर सर्विस का रजिस्टर कर सकते हो अपना कंप्लेन एंड उनको फ़ोन भी कर सकते हो। तो एक पोर्टल उन्होंने बनाया जो कि 24 अप्रैल से लाइव हो गया था, तो वो भी मैंने टेस्ट किया है, उसकी इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ, लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके अपना जो भी कंप्लेन है वो डिटेल में कर सकते हो। एक स्पेसिफिक सपोर्ट का पोर्टल बना दिया है उन्होंने, अब वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें कर लोगे। तो ये एक थर्ड पॉइंट था जो उन्होंने क्लेम किया था। अब फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा था कि ईमेल जो रिस्पॉन्स है, जैसे मैंने उनको कहा था कि जो ईमेल का रिस्पॉन्स है ना वो तुम लोग महीने महीने तक ईमेल चलते रहते हैं एंड रिपीटेड ईमेल्स होते रहते हैं, तो उसका उन्होंने एक ये नया चीज़ निकाला है कि घोनोइस वाले अब क्या करेंगे, जो ईमेल रिस्पॉन्स है उसका टाइमिंग 24 hours to 48 business hours है, जिसके अंदर आपको वो फर्स्ट रिस्पॉन्स दे देते हैं। बट यूजुअली उन्होंने कहा है कि जो ईमेल टीम है वो आपको 4 से 5 घंटे के अंदर आपका जो भी ईमेल जाएगा, आपका जो भी क्वेरी होगा, वो सारी चीज़ों का ईमेल में रिस्पॉन्स आपको 4 से 5 घंटे में दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है। वीडियो देखने के बाद उन्होंने इसके ऊपर काम किया, ये चीज़ उन्होंने मुझे कही कि हमने वो वीडियो देख के इसके ऊपर काम किया था, फीडबैक जो था वो बहुत ही अच्छा था एंड उसके हिसाब से उन्होंने काम किया एंड वो बोला कि हाँ अब 4 से 5 घंटे के अंदर आप लोग का जो ईमेल का जो भी आप ईमेल करोगे उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा एंड रिपीटेड ईमेल्स नहीं मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट यही था कि उन्होंने कहा था कि जो भी आप लोग रिप्लाई करते हो उसके ऊपर जो मैनुअल ईमेल्स जाते हैं अब वो मैनुअल ईमेल्स कम हो जाएंगे एंड ऑटोमेटिक रिप्लाईज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड
प्रॉब्लम बताया है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा, जिसमें बोला जाएगा कि या तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा एंड आपको ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस बताएगा, या फिर वो पूरा जो कुरियर का उनका प्रोसेस है कि रिवर्स पिकअप कैसे होगा वो सारी चीज़ें ईमेल के अंदर आएंगी, तो आपको बार बार ईमेल ईमेल खेलना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने उनसे कही थी कि ईमेल ईमेल बहुत खेला जाता है, ये चीज़ पे उन्होंने काम किया, बोला कि अब ऑटोमेटिक रिप्लाईज ज़्यादा अच्छे से जाएंगी एंड स्पेसिफिक जाएंगी। इससे क्या होगा कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सिक्स पॉइंट उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका अब ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस ऐसा होगा कि आपको ईमेल और एसएमएस कर दिया जाएगा कि हमारा एक गोनोइस का रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो ट्रबल शूटिंग से सही हो जाती है। मतलब वो लोग आपको कॉल करेंगे, उनका टेक्नीशियन आपको कॉल करेगा, उनका टेक्नीशियन आपको ये बोलेगा कि क्या क्या स्टेप्स करना है जिससे आपके कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड अगर वो लोग देख रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग से नहीं हो रही है तो वो आपको रिवर्स पिकअप या फिर जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देगी एंड आपका रिवर्स पिकअप इन द सेंस गोनोइस वाले अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया है तो वो खुद पिकअप करवाएंगे, इन द सेंस खुद कुरियर कंपनी को बोलेंगे कि जाओ कस्टमर के घर से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लो एंड हमारे वेयरहाउस में आप लोग डिपॉजिट कर दो। तो ये जो चीजें थी कि रिवर्स पिकअप, अब क्या होता था कि मैंने भी ये चीज किया था कि खुद से कुरियर उनको किया था, अब क्या हो गया कि 95% जो रिवर्स पिकअप होगा वो सारी चीजें गोनोइस करेगा। ऐसी लोकेशंस जहां पे उनके कुरियर सर्विस पार्टनर्स नहीं है तो वो कस्टमर को बोलेंगे कि आप लोग रिवर्स पिकअप का जो कुरियर है वो खुद से करिए एंड उसके बदले जो भी अमाउंट का आप लोग कुरियर करोगे उसके कूपन्स गो नॉइस जनरेट करके आप लोग को देगा एंड आप लोग फिर अगर आगे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है जिससे आपने कुरियर किया था उससे आप लोग वो प्रोडक्ट के अंदर डिस्काउंट लेके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो ये गो नॉइस ने बहुत अच्छा कर दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था कि कुरियर कहाँ पे करना है क्या करना है, अब ये कुरियर का जो टेंशन है ना वो खत्म हो गया है बिकॉज अब सारी कुरियर्स गो नॉइस करवाएगा एंड जहाँ पे उनके सर्विस पार्टनर्स नहीं है, वैसे बहुत ही कम लोकेशन है, 5% ही लोकेशन है जहाँ पे उनके कुरियर पार्टनर्स नहीं है, तो वो लोग ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से करवाएंगे एंड अगर नहीं है वहाँ पे तो आपको खुद से करना पड़ेगा एंड उसके बदले आपको वो सेम अमाउंट का या फिर थोड़े ज़्यादा अमाउंट का कूपन दे देंगे। ये उन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि जहाँ पे नहीं हो पाएगा वहाँ पे ये करेंगे। सेवन्थ पॉइंट उन्होंने ये कहा कि अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है तो बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट्स के रिवर्स पिकअप नहीं हो पा रहे, कुरियर सर्विसेज नहीं चल रही, इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स उनके पास नहीं आ पा रहे, ट्रबल शूट तो चल रहा है बट कुरियर्स नहीं आ पा रहे। तो उन्होंने ये कहा कि जिनकी वारंटी 20th मार्च से लेके 15th अप्रैल के बीच में खत्म हो रही है उनकी जो वारंटी है वो 31st मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब जिनकी भी वारंटी 20th मार्च के बाद खत्म हो गई थी एंड उसके पहले उनको ये चीज़ करना था बट प्रॉब्लम ये हुआ कि 20th मार्च के बाद उसके पास ऑप्शन नहीं था और वारंटी वो लोग क्लेम नहीं कर पा रहे, तो उनकी जितनी भी वारंटी थी वो 31st मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप लोग ये जो भी प्रोसेस मैंने बताया था वो वीडियो के अंदर वो फॉलो करके आप लोग अपना प्रोडक्ट जो है वो अब रिप्लेस करवा सकते हैं, वारंटी के अंदर है तो आपको नए प्रोडक्ट्स ये 20th मार्च से लेके 15th मई के बीच में जिसकी भी वारंटी एक्सपायर हो गई है वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि 31st मई तक उनका जो वारंटी था वो एक्सटेंड हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये चीज प्रॉब्लम्स थी। एक और पॉइंट है जो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनको एक फीडबैक दिया कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो आजकल ईमेल के बजाय व्हाट्सएप पे ट्रबल शूटिंग बहुत अच्छे से कर पा रही है तो क्या गोनोइस भी ये चीज़ करेगा। तो उनके हेड का यही आंसर था कि वो लोग ऑलमोस्ट डेवलपमेंट फेज खत्म हो चुका है व्हाट्सएप का एंड वो लोग एक व्हाट्सएप का सर्विस भी निकालने वाले जिसके अंदर बहुत सारे जो कस्टमर है जो ईमेल के नहीं कर सकते हैं, ईमेल में बहुत डिलेड रिस्पॉन्स आता था, व्हाट्सएप के ऊपर फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी एंड आपका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस आपका जो भी रिवर्स पिकअप है सारी चीज़ें ये व्हाट्सएप के थ्रू हो पाएगी। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि ये फ्यूचर में आने वाला है, तो जैसे वो फ्यूचर में आएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि हाँ गोनोइस ने ये स्टार्ट किया, बिकॉज जो उनके हेड का सोचना था एंड जो उनके हेड का कॉल था वो यही पर्सपेक्टिव से था कि जो वीडियो मैंने बनाई थी उससे उनको पता चला कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है एंड लोग मुझे एक तरीके से गोनोइस का बोल रहे थे कि आप गोनोइस आपकी सुनता है, तो उसके लिए उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ के यहाँ वहाँ से फ़ोन किया एंड सारी बातें करके उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि हम फीडबैक के लिए एकदम रेडी है एंड हमको एक ऐसी कंपनी बनना है जो कस्टमर सर्विस के हिसाब से बहुत अच्छी हो। तो ये चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा कि गोनोइस वालों ने बहुत ही अच्छा किया। देन उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा कि मैंने उनको कहा था कि आपने ना
आपके जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट जो होते हैं उसके कमेंट्स क्यों ऑफ किए थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम उसके ऊपर काम कर रहे थे बिकॉज उसके ऊपर भी बहुत सारे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे, इसके लिए हमने ऑफ कर दिए बिकॉज वो प्रमोशनल पोस्ट थे, उसके ऊपर ऐसे कोई ध्यान नहीं देता है कि क्या कमेंट्स आने वाले हैं एंड क्या ये कस्टमर के कमेंट्स आने वाले हैं, तो इसके लिए उन्होंने ऑफ कर दिया था। वो भी वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड वो एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म लाने वाले हैं कि अगर किसी ने कस्टमर ने कंप्लेन किया उनके कमेंट के ऊपर तो उसको एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा जिसके अंदर सारी जो भी ट्रबल शूटिंग की प्रोसेस है, जो भी रिवर्स पिकअप का प्रोसेस है, जो भी उनके प्रोडक्ट के अंदर खराबी है, वो सारी चीज़ों का वो लोग ध्यान रखेंगे एंड उस हिसाब से वो लोग एक डीएम के अंदर वो सारी चीज़ें बताएंगे एंड प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोलेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने ये कही थी एंड वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर काम चालू है एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो कमेंट्स है वो जल्दी से जल्दी ऑन हो जाएंगे एंड लोग कमेंट कर पाएंगे बिकॉज उनको भी वो अच्छा नहीं लग रहा है कमेंट्स ऑफ करना एंड वो लोग भी कस्टमर की हेल्प करना चाहते हैं, ना कि वो कमेंट्स ऑफ करके कस्टमर से दूर भागना चाहते हैं। एक लास्ट पॉइंट उन्होंने जाते जाते मुझे बताया था कि अब उन्होंने एक प्रोसेस ला दिया जहाँ पे अगर कोई कस्टमर कॉल कर रहा है कोई भी रीज़न से, अगर कस्टमर का वो कॉल अगर कट हो गया है एंड वो वापस कॉल कर रहा है, उसको वापस क्यू में नहीं लगना है, तो वो एक काम कर सकता है कि कस्टमर को वापस फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, गो नॉइज़ वाले वो पर्टिकुलर कस्टमर को 2 घंटे के अंदर वापस कॉल करेंगे एंड पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है कि कस्टमर फ़ोन कर रहा है, फ़ोन कट हो जा रहा है तो उसको वापस से लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, वापस से क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो गो नॉइज़ वाले उनको अपने आप कॉल करेंगे एंड सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उसके बारे में पूछेंगे। सो ये सारी पॉइंट्स थी जो कस्टमर सर्विस के हेड ने मेरे से बात की। अगर आप लोग को लगता है तो ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास बात हुई, बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ वीडियो में, बट उनको मैंने फीडबैक दिया है, उनको ये भी बोला है कि कैसे आप अपना कस्टमर सर्विस अच्छा कर सकते हो। एक फीडबैक व्हाट्सएप वाला दिया था, उसके उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उसके ऊपर काम चल रहा है, और भी बहुत सारी ऑटोमेटिक रिप्लाईज हैं, बहुत सारी ट्विटर पे सपोर्ट, इंस्टा पे सपोर्ट, फेसबुक पे सपोर्ट, ये सारी जगह पे कैसे सपोर्ट देना है ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। एक फीडबैक ये भी कहा कि आप अपने मार्केटिंग टीम को बोलिए कि ऐसे बंदों को हायर करें या फिर ऐसे लोगों को हायर करें जो सिर्फ कस्टमर की प्रॉब्लम अगर सोशल मीडिया पे आ रही है एंड मार्केटिंग के आसपास में दिख रही है तो उसके ऊपर वो लोग हेल्प करें। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी काम होगा, मार्केटिंग टीम को बताया जाएगा ये सारी चीज़ें। वो अब बोल रहे हैं कि वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे एंड उनको अगर फीडबैक की कुछ ज़रूरत रहेगी तो मैं उनको हेल्प करूँगा। ये चीज़ मैंने उनको बोली है कि आगे चल के अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कस्टमर सर्विस के आसपास एंड अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे साथ शेयर किया है, मैं उनसे कंटिन्यूस बात अब करूँगा कि अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, वो कमेंट मैं उनको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे कैसे हर्डल्स है जिसकी वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है एंड मैं वो डायरेक्टली कस्टमर सर्विस के जो हेड है उनसे बात करके आप लोग की आवाज़ में पहुंचा सकता हूं। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आपको और भी कुछ इश्यूज़ पता चल रहे हैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें पता चल रही तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड ये वीडियो एक अपडेट वीडियो, तो प्लीज़ ये वीडियो को अगर आप लोग को समझ में आया एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को बिकॉज अब गो नॉइज़ की तरफ से जो जो नई नई चीज़ें होंगी वो हो सकता है कि मेरे चैनल के थ्रू हो जाए बिकॉज कस्टमर सर्विस के जो हेड है उन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब करने वाले हैं एंड हम चाहते हैं कि आप भी करो, तो मैं हो सकता है कि एसोसिएट हो जाओ गो नॉइज़ की तरफ से। एंड वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये जो भी सारा चीज़ किया था ये गो नॉइज़ से एसोसिएट होने के लिए किया था, तो इतना बोल दो कि भाई उन्होंने मुझे सामने से फ़ोन किया था, आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, ऑलमोस्ट 37 से 40 मिनट्स के आसपास की बात हुई है, स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, नंबर ऐड कर रहा हूँ बट आप लोग देख सकते हो कि सच में मेरी उनसे बात हुई है एंड सारी जो चीज़ें हैं मैं उनको कन्फर्म करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ एंड जो भी चीज़ें हैं वो उनसे आई है, मैंने कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये ऐड किया था कि हाँ अब आगे चल के जो जो नई नई चीज़ें होंगी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे साथ बोला कि आप व्हाट्सएप पे सेव कर लीजिए एंड आप मुझसे डायरेक्ट बात करते रहिए। तो अब गो नॉइज़ क्या है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी वीडियो कोई गो नॉइज़ का एम्प्लॉई देखेगा, बट एक हेड ने देखा एंड वो चीज़ देखने के बाद फीडबैक लेने के बाद उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया एंड बात किया, तो एक तरीके से वो मेरी वीडियो जो थी वो सक्सेसफुल हो गई है। तो प्लीज़ गाइस ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहिए एंड अगर आप लोग को आवाज़ उठानी है एंड अगर आप गो नॉइज़ के कस्टमर हो, आपको प्रोडक्ट्स उनके लेने हैं एंड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो, अब मैं उनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। तो जो लोग मुझे कहते थे ना कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्लीज़, मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं उनसे एसोसिएटेड नहीं हूँ, बट अब मेरे पास एक बंदा है जो मेरी बात सुनेगा एंड वो हेड है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पर चल रही है उनको नहीं पता थी वो मेरे थ्रू पता चल सकती। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा एंड आप लोग को जो मेरा अपडेट था वो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।